चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। जानू क्या है? बहुत दिन हो गए हम लोग बाहर खाना खाने नहीं गए। नबील हम जिंदगी में कभी भी कहीं बाहर खाना खाने नहीं गए। अच्छा? हाँ जानू, अगर रोजे नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी इस बात के बाद अभी तुम्हें फौरन लंच पे लेके जाता। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना नबील? हाँ जानू बिल्कुल ठीक है। फिर इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए जानू कि आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। इसका मतलब है तुम्हें फिर पैसे चाहिए? इसे कहते हैं जानू प्यार? कैसे मेरे दिल की बात बगैर कहे तुम समझ गई? What? जानू आज मुझे यकीन आ गया कि तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती हो जितनी माँ जी महमूद साहब से करती है। Shut up, नबील। How sweet, जानू। इस बात पे 2000 रुपया दो। एक रुपया नहीं मिलेगा नबील। जानू नबील प्लीज जाओ यहाँ से, रोजे में मुझे गुस्सा ना दिलाओ। गलती मेरी थी जो मैंने तुम पे तरस खा के तुमसे शादी कर ली, वरना एक से अमीर लड़की की लाइन लगी हुई थी मेरे पीछे। जानू मैं 10 मिनट लाउंज में इंतजार करूंगा, अगर तुमने मुझे 2000 रुपए ना दिए तो क्या कर लोगे? तो जानू मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगा, और क्या। हेलो कौन? जाना। किधर जाऊँ? अरे खूबसूरत जाना बोल रही हो यार। जाना? अरे तुम्हारी एमसीए की फ्रेंड यार। जाना तुम कहाँ गायब थी यार? शादी भी हो गई तुम्हारी और मुझे बुलाया भी नहीं। तो तुमने कौन सा बुलाया था मुझे अपनी शादी में? भाई मेरी शादी तो बहुत जल्दी में हुई थी। हाँ तो मुझे भी तो जल्दी थी। अच्छा तो तुम हो कहाँ आजकल? अरे कराची आई हुई हूँ। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इसीलिए तो फोन किया है, आ रही हूँ अभी। और हाँ इफ्तार साथ करेंगे। हाँ ग्रेट, चलो मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। हाँ नबील क्या? ये लो 2000 रुपए। जानू मुझे पता था तुम मुझे ज्यादा देर उदास नहीं देख सकते। क्या मतलब? जानू आखिर तुमने मुझे शॉपिंग के लिए 2000 रुपए दे दिए ना। नबील ये 2000 रुपए मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं दिए। फिर जानू? मेरी दोस्त आ रही है घर पे भाई, इफ्तार हमारे साथ करेगी, ये पैसे इफ्तारी की शॉपिंग के लिए है। तुम्हारी कौन सी दोस्त? जाना। तुम्हारी कौन सी दोस्त? जाना। जाना मेरी दोस्त का नाम है नबील। जानू नाम तो बहुत प्यारा है, खुद कैसी है? नबील वो शादीशुदा है और उसके मियाँ के पास बहुत पैसा है। जानू पैसे तो तुम्हारे मियाँ के पास भी बहुत हो सकते थे अगर तुम अपने पापा से लेकर मुझे दे देती। शर्त आप नबील, अब जाओ जाके सामान लेकर आओ। ठीक है जानू, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? सामान में से जो पैसे बचेंगे ना वो मेरे। ओ गॉड, ठीक है नबील अब जाओ भी। ओके जानू, थैंक यू वेरी मच। ये आपने मुझे रोजों में किस काम पे लगा दिया है? मसहूद महमूद। महमूद को लगा दिया काम पे? अरे महमूद मेरा नाम है यार। हाय आप काम पे लग गए? मेरे बचपन की ख्वाहिश थी कि आप किसी काम पर लग जाएं। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम मोमो, सारी जवानी मैंने काम ही तो किया है, अब क्या इस उम्र में मैं आराम भी ना करूं? अरे कैसी बीवी हो तुम मोमो, तुमसे अपने मियाँ की खुशी भी नहीं देखी जाती। जाके बाहर देखें दरवाजे पर कौन है। मैं नहीं जा रहा, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। हेलो जी, मैं जाना। किधर जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। ना फिर तू है कौन? मैं जाना। हाँ तो जाना। अरे मेरा नाम जाना है। विश्वाश मेरा नाम फरजाना है। मैं खूबसूरत से मिलने आई। हाँ बोल, मैं भी कितनी खूबसूरत हूँ। मैं खूबसूरत की दोस्त हूँ। हाय तू मेरी सहेली है? जी। हाय लजीत किधर थी तू? बड़े दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है। चलो ना अंदर बैठ के आराम से बातें करते हैं। जा जा जी, कौन है? मेरी सहेली है रुकैया। नहीं मैं रुकैया नहीं हूँ, मैं जाना हूँ। हाँ हाँ। अरे जाना कैसी हो? खूबसूरत, तुम कैसी हो? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। हाँ लेकिन तुम वैसी की वैसी हो। हाँ मैं भी ये कह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसी की वैसी है ये। ये कौन है? ये मेरी बहू है। माँ जी वो मुझसे पूछ रही है। हाँ तो तू बता दे कि भाई तू शाजिया है। जाना तुम इतने अरसे कहाँ थी यार? हाँ जानी तू कहाँ थी इतने अरसे? हैं ना फोन ना खत ना तार ना जीमेल ना ईमेल। बस यार क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता है शादी के बाद जिंदगी कितनी मसरूफ हो जाती है। हाँ और क्या, मैं खुद इतनी मगरूर हो गई हूँ शादी के बाद के पास। चलो और सुना बतूल कैसी है? कौन बतूल? ओए वो जो पिछली गली में रहती थी, दूध वाले से चक्कर था उसका। What? Yes, yes.
God has made a heart in Ghafoor's chest and he has put love for Batool. माँ जी आप क्या बोल रही हैं यार? अरे खबरदार जो हम दोनों सहेलियों के बीच में तू बोली हो, क्यों नखमाना? मेरा नाम नखमाना नहीं है, मैं आपकी बहू की दोस्त जाना हूँ। हाँ? जी। ओ तेरा बिड़ा खरक, खाम खाम मेरा वक्त जाया किया तूने। बड़ा पे सुनो, ये आइटम कौन था? ये मेरी सास है, भूलने की बीमारी है ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे। दो दिन रहोगी ना फिर पूछूंगी तुमसे। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा हस्बैंड कौन है, क्या करता है? सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मेरे डैड की जमीनों का ख्याल रखता है। क्या घर दामाद है? हाँ। मैंने तो सुना था बहुत अमीर आदमी है। अरे यार मेरे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है, और वैसे भी ये जो अमीर आदमी होते हैं ना, ये बीवियों के कभी नहीं होते। इसीलिए मैंने ऐसे आदमी से शादी की जो मेरा फरमा बरदार हो। मैं दिन कहूँ तो दिन कहे, मैं रात कहूँ तो रात। साथ नहीं आया? नहीं, शाम तक आएगा, अभी तो जमीनों पर है ना। वो तुम्हारे साथ नहीं रहता क्या? नहीं यार, मैं तो आजादी से रहती हूँ लाहौर में, बस 6-7 महीने बाद चक्कर लग लेता है। खैर तू बता अपने शौहर के बारे में। वो 6 महीने में एक बार घर से जाता है। अच्छा। हाँ। करता क्या है? घर के काम है। सौदा लेके आ गया जानू, इसमें 150 रुपया बचा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो मेरा कट है। ये मेरी दोस्त है जाना। मक्खन? जानू तुम्हारी दोस्त मुझ पर लाइने मार रही है। What? हाँ जानू मुझे मक्खन बोल रही है। Shut up नबील। Okay जानू। क्या हुआ जाना? ये कौन है? ये मेरा हस्बैंड है नबील। क्या? हाँ। अरे ये तेरा नहीं मेरा शौहर है मक्खन। मक्खन? हाँ मक्खन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं तो यही रहता हूँ। तुम यहाँ रहते हो? और मैं इतने सालों तक सोचती रही कि तुम जमीनों पर डैड के पास होते हो। कौन सी जमीने, कौन से डैड? ये तुम क्या बोल रही हो जाना? खूबसूरत ये आदमी मेरा शौहर है, तूने इसे शादी कैसे की? ये मेरा शौहर है नबील। ये मेरा शौहर है मक्खन। नबील ये क्या बोल रही है? जानू ये मुझे मक्खन बोल रही है। अरे ये क्यों बोल रही है कि तुम्हारी बीवी है? जानू अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। क्या मुझे नहीं जानते? धोखेबाज मक्कार अपनी बीवी को नहीं पहचानते? अरे मैं आपका शौहर नहीं हूँ भाई। अच्छा तो फिर ये क्या है? क्या है? ये देखो खूबसूरत, ये हमारी शादी की तस्वीर। नबील लेकिन इसकी तो मुझे है। अरे तो मुझे साफ करने में कितना टाइम लगता है? मैं अभी अपने डैड को बताती हूँ कि तुमने दूसरी शादी कर रखी है। मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। जानू जानू ये मनाने के बजाय उसको मना रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, धोखेबाज। आपको गलतफहमी हुई है। Shut up. नबील, नबील, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं आप? अरे इस भक्कड़पन में भी तुमने दो दो शादियाँ की हुई हैं, और वो भी मुझे बताए बगैर। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की महमूद साहब। तो फिर वो औरत कौन है? कौन औरत? अरे वही जाना। पता नहीं यार महमूद साहब, खूबसूरत की कोई दोस्त है। ओ तो तुमने दोस्त के घर डाका डाला है? अरे शर्म करो नबील, अगर तुमने यही काम करना था तो मुझे बता देते यार, ये काम तो मैं भी कर सकता था। ओ यार महमूद साहब मैं उस लड़की को नहीं जानता, ये अली इमरान बड़े मुंह वाले की साजिश है, उसने सिचुएशन ही ऐसी लिख दी है। अरे अंदर तो उस लड़की ने रोना धोना मचाया हुआ है यार। क्या? और तुम्हारी माँ उसके पास बैठ के उसे सासों की तरह तसल्लियाँ दे रही है। बस 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 तो चुप कर जाना, मैं मान रही हूँ कि तू मेरी सहेली है, अब तो चुप कर जा। मैं इसलिए नहीं रो रही। ना तो फिर किसके लिए रो रही है? मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो शवश है, नहीं तो इसमें रोने वाली क्या बात? मैंने भी दो शादियाँ की हैं, देख ले मैं क्या रो रही हूँ। अरे आपने कर ली है तो इससे मेरा क्या ताल्लुक? मेरे मियाँ ने दो शादियाँ क्यों की? तो मैं तेरा मियाँ हूँ जो तू मुझसे पूछ रही है? जा जाके अपने मियाँ से पूछ। किधर है वो खबीस इंसान? वो खबीस इंसान आपका बेटा है। हाँ आपका बच्चा भी आपके ऊपर गया है। हाय मेरे पुत्र ने दो शादियाँ किससे की हैं? पता नहीं। ना जब तुझे पता ही नहीं है तो रो क्यों रही है? अरे मुझे ये नहीं पता कि दूसरी मुझसे की है या खूबसूरत से। उसने दूसरी तुझसे की होगी फरजाना। आपको कैसे पता? वो कीला मेरे बच्चे की बड़ी बेइज्जती करती है। तू मेरे बच्चे का बड़ा ख्याल रखती है ना, वो बड़ा भोला है। क्या? अच्छा एक बात बता, जब मैं तेरी इतनी पक्की सहेली हूँ तो तूने मुझे अपनी शादी पे क्यों नहीं बुलाया है? चलो ना नबील, बंद करो ये ड्रामा यार,
और सच सच बताओ वो मुझे कहाँ रखी है? मुझे? हाँ यार, मुझे भी एक बनवा दो ना, ताकि तुम्हारी माँ से छुप छुप कर मैं भी थोड़ा एंजॉय कर सकूं। और बस कर दे यार महमूद साहब, मैं एक शादी करके भुगत रहा हूँ। अरे तुम कहाँ भुगत रहे हो नबील, भुगत तो बेचारी खूबसूरत रही है। वैसे नबील आपस की बात है, जाना है बहुत प्यारी। हाँ महमूद साहब वाकई, यार महमूद साहब उसे जाके समझाए, अगर उसने दो या तीन दफा और मुझे शौर कहा ना तो मैंने अपनी बीवी मान लेना है उसको। यार नबील वैसे एक बात की मुझे समझ नहीं आई, जब तुमने उस औरत से शादी ही नहीं की है तो वो तुम्हें अपना शौहर कैसे मान रही है? ओ महमूद साहब मेरी शक्ल उसके शौहर से जो मिलती है बड़ी आम शक्ल है मेरी। ओए हाँ महमूद साहब मेरी शक्ल बहुत लोगों से मिलती है यार, अली इमरान कहता है फैसल भाई से मेरी शक्ल मिलती है, कुछ लोग कहते हैं मेरी शक्ल धुआं वाले नबील से मिलती है, मैंने तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को ऑटोग्राफ भी दे दिया है। यार नबील वैसे बहुत ही लकी आदमी हो यार, अरे तुम्हारे चक्कर में अंदर दो हसीन और खूबसूरत लड़कियां आपस में टहपटास हो रही है। ठीक है महमूद साहब, उनमें से जो जीतेगी मैं उसका हो जाऊंगा। तुम सिकंदर हो मुकद्दर का? अरे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी और तुम मेरा शौहर मुझसे छीनना चाहती हो। मैंने नहीं, तुमने मेरे शौहर को मुझसे छीना है। मैंने? हाँ, तू यूनिवर्सिटी के जमाने से ही मुझसे जलती है, वहाँ पे भी मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स को तूने पटा लिया था। माँ जी आप अंदर जाइए, ये बड़ों के सुनने वाली बातें नहीं है। ना ना पुत्र, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो तुम लोगों की लड़ाई एंजॉय कर रही हूँ। देखो जाना, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ गलतफहमी तो हुई थी, जब भी तो जैसी लड़की को अपनी दोस्त बना लिया मैंने। देखो बहुत हो गई है, तुम मुझ पे फजूल में इल्जाम लगा रही हो। मेरी और नबील की शादी को 5 साल हो चुके हैं। क्या? इसका मतलब है उस धोखेबाज ने दूसरी शादी मुझसे की है। नहीं छोड़ूंगी उसे। कहाँ ये मक्खन? मक्खन पुत्र एक बात नहीं समझ आ रही, मेरी ये सिली तुझसे क्यों लड़ रही? मक्खन मक्खन नबील, ये मुझे मक्खन क्यों कह रही है? मैं मुसाब, ये डक्कन नहीं मक्खन बोल रही है, वो भी मुझे। अंकल आप अंदर जाए, मुझे इससे बात करनी। अंकल? हाँ अंकल अंदर जाइए, इन्होंने मुझसे बात करनी। मुझे तुमने इससे करनी है वो बात है? हाँ जी। अच्छा जी, करो जी। घटिया धोखेबाज इंसान, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ? एहसान फरामोश आदमी, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें घर दिया, तुम्हें जमीनें दी और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया बीबी जी। तो ये सब क्या है? और मुझे कहाँ है तुम्हारी? कौन सी मुझे? अरे इतनी बड़ी बड़ी मुझे दी तुम्हारी, मेरे कहने पे तो तुमने कभी साफ नहीं की और उस चुड़ैल के कहने पे साफ कर दी। देखिए मुझे लगता है मेरी शक्ल आपके शौहर से मिलती है, इसलिए आपको धोखा हो रहा है। अच्छा अभी पता चल जाएगा मेरा फोन कहाँ है। मुझे क्या पता, अभी बताती हूँ। अरे खूबसूरत, ये नबील बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, मुझे तो लगता है उसने वाकई ही दूसरी शादी की हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, जिस आदमी के पास अपने बाल कटवाने के पैसे नहीं है वो दूसरी शादी कैसे कर लेगा? तुम उसे नहीं जानती खूबसूरत, अरे वो बहुत कुन्ना है, वो कुछ भी कर सकता है। महमूद साहब मैं आपकी इन फजूल बातों में आने वाली नहीं हूँ। पक्की बात जी? चलो मोमो फिर हम अंदर चलते हैं, हम रोजे में क्यों अपना दिमाग खपा रहे हैं। चलिए कमरे में चलते आराम करते हैं। एक मिनट मैं अभी मक्खन को फोन करती हूँ और अभी के अभी पता चल जाएगा कि हमारे शौहर एक है या दो अलग अलग आदमी। बिल्कुल ठीक है, हम चल के बाहर नबील पे नजर रखते हैं। हाँ चलो ठीक है, नजर रखते हैं ना, एंजॉयमेंट हो रहा है और रोजा भी कितना अच्छा गुजर रहा है। अरे मोमो उसने अपने मियाँ को फोन किया और इधर नबील का फोन बज गया है। ओ यार अली इमरान, ये तूने कैसा एपिसोड लिख दिया यार, सारे कंफ्यूज चल रहे हैं। अरे यार मैं तो खुद कंफ्यूज चल रहा हूँ यार। सुहेल माँ जी मैंने क्या किया है? अरे हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैंने तो सिर्फ बाल रंगे हैं यार। अरे जो भी रंगा है खूबसूरत खूबसूरत। क्या है महमूद साहब? अरे ये आदमी हम सबको बेवकूफ बना रहा है, यही है उस लड़की का शौहर। हाँ अभी उसने अपने फोन से अपने शौहर को फोन मिलाया और यहाँ इसका फोन बज गया। क्या? ओ यार ये तो अली इमरान का फोन था। तू और वो अली इमरान दोनों मिले हुए हो? नबील तुम्हारी ये जुर्रत? ओ जानू मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे घटिया इंसान, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची भी है? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया नबील, तुम सब भूल गए। हाँ एहसान फरामोश, कमीना। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को घर में रखा और इन्हें पाला। ओए तू हमें
बीच में क्यों ला रही है? सूरत तुम मुझ पर शक कर रही हो, इतने वफादार आदमी पर शक कर रही हो? वफादार माय फुट। सूरत अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं चाह रहा हूँ तो जाओ। महमूद साहब मुझे रोकिएगा मत। अरे मैं पागल हूँ क्या, मुझे किसी कुत्ते ने काटा है? आओ मोमो हम अंदर चले। अली अली रुक मेरे पुत्र। माँ जी मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी बात तो सुन पुत्र। माँ जी अब मैं नहीं रुकूंगा। ओए सुन तो ले मेरे बच्चे। बोले माँ जी। आते हुए बाजार से कीनो ले आना, मेरा फ्रूट चाट का मूड हुआ है। ओ माँ जी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ यार, अफ्तार का सामान लेने नहीं जा रहा। खुदा हाफिज माँ जी, अलविदा। क्यों कि जब तुमने फोन किया था तो बाहर उसका फोन बजा था। क्या? हाँ हमने अपनी आंखों से उसे छुप छुप कर तुम्हारे साथ फोन पर बातें करते देखा है। मगर मैंने तो जब अपने शौहर का फोन किया था उसने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया था। कहाँ थे तुम और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? क्या ये कौन सा वक्त है नहाने का? अच्छा फौरन बुलबुले की लोकेशन पे आ। हाँ हाँ तुम्हारी एंट्री करवानी है। आ रहा है मेरा शौहर, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि हमारा शौहर एक है या दो अलग अलग आदमी। हाँ हाँ अब तो वो आ ही जाएगा, दबील जो घर पे नहीं है। क्यों खूबसूरत? आने दे महमूद साहब, खुद ही पता चल जाएगा कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। अगर तुम्हारा शौहर नबील हुआ ना, हाँ तो तुम उससे तलाक ले लेना। मैं क्यों उससे तलाक लूंगी, तुम्हें तलाक दिलवाऊंगी। अरे वाह वो मुझे तलाक दे ही ना दे, अभी पता चल जाएगा। सलाम अलैकुम बाबा। बाबा इसी क्या इमरजेंसी थी जो अचानक फोन करके मुझे बुला लिया? सब खैरियत तो है ना बाबा? नबील चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा।